अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 42। आज के इस लेसन में हम एक्सटेंड कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंड कमांड क्या होती है, उसके अलावा एक्सटेंड कमांड का मकसद क्या होता है, एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड में फ़र्क क्या है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड या ट्रिम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यूनिट सेट है, यूनिट को सेट किया, डायमेंशन सेट करना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ने डायमेंशन को फिलहाल। तो एक्सटेंड कमांड, तो एक्सटेंड कमांड के लिए आप देखें ट्रिम के साथ नीचे एक्सटेंड कमांड थे, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है और एक्सटेंड कमांड का फंक्शन क्या है इसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। तो मैं एक एल इंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल F8 प्रेस करता हूँ, सॉरी F8, एल इंटर, F8, एल इंटर, एल इंटर, तो मैंने यहाँ पे ही कुछ लाइंस दी हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पॉइंट दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन जो है यहाँ तक ऑटोमेटिकली आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए। तो इसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, एक्सटेंड कमांड यूज़ करेंगे। तो एक्सटेंड कमांड, एक तो आपको यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी कमांड को, अपने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड, दूसरा आप मॉडिफाई में जाएँ जाके, तो आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ट्रिम के बाद एक्सटेंड नज़र आ रहा होगा एक्सटेंड, और तीसरा जो आपके पास है वो है शॉर्ट कमांड, शॉर्ट कमांड है पास ई एक्स, ई एक्स एंटर करेंगे तो ये एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड पे क्लिक करें, सबसे पहले डेस्टिनेशन पॉइंट पे क्लिक करें, ये रहा डेस्टिनेशन पॉइंट है, मैंने यहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है, क्लिक करें, राइट क्लिक करें या फिर एंटर कर दें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देखें मैं जो ही इस पे रखता हूँ तो ये आपको बता रहा है कि मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप देखें एक्सटेंड हो गया। अब ये एक्सटेंड कमांड क्लिक करते जाएं, एक्सटेंड कमांड, अब यही एक्सटेंड कमांड का एक कोर मेथड है। अगर आप इस एक्सटेंड कमांड को देखें, मैं यहां से मिड पॉइंट से थोड़ा आगे लेके आता हूं तो एक्सटेंड हो रही है, जब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं देखें एक्सटेंड नहीं हो रही। क्लिक करेंगे आप, मिड से पीछे होंगे तो आपकी कमांड एक्सटेंड नहीं होगी, उसके लिए आपको मिड से आगे होना मस्ट है, तो उसके लिए आप मिड से आगे होंगे आपकी कमांड एक्सटेंड होगी, देख सकते हैं एक्सटेंड हो गया। इसके अलावा अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं चाहता हूँ, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहाँ तक ये एक्सटेंड हो, फिर यहाँ तक, पहले यहाँ तक हो, फिर बाद चीज़ें यहाँ तक हो, फिर नेक्स्ट यहाँ तक हो, जितने ज़्यादा आप डेस्टिनेशन पॉइंट देते हो, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं डेस्टिनेशन पॉइंट देता हूँ, चाहता हूँ यहाँ तक ये एक्सटेंड होती जाए, तो उसके लिए आप ई एक्स एंटर करके आप पूरे के पूरे डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें, एंटर करें और अपनी कमांड पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को देखें एक्सटेंड होगी। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, देखें आगे तक एक्सटेंड होगी, फिर क्लिक करें नेक्स्ट आगे तक चलेगी, क्लिक करते जाएं, देख सकते हैं। तो ये आप जितना ज़्यादा आप इसे एक्सटेंड करते जाएंगे ये एक्सटेंड होती जाएगी। देख सकते हैं। अब एक्सटेंड के बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखें ट्रेम, सिलेक्ट शिफ्ट को आप प्रेस करके, आप जब करेंगे शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो ये आपकी कमांड देखें ट्रिम हो रही है, और अगर आप शिफ्ट को छोड़ के करते हैं तो एक्सटेंड होगी नहीं। तो मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके करता हूँ, देखिए ट्रिम हो रही है, शिफ्ट को छोड़ के करता हूँ तो देखें एक्सटेंड हो रही है, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगी ट्रिम होगी। तो आप यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके आप दोनों काम कर सकते हैं, आप देखें एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी कमांड को और ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ये आपकी कमांड थी जी, आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना चाहें या फिर ट्रिम करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी एक्सटेंड और ट्रिम में,
और ये एक्सटेंड हो गया, ट्रिम हो गया, मिरर हो गई, और इसके अलावा जो हमने मॉडिफाई में और जो कमांड किए हैं, तो ये सारी की सारी कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इन पे प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से ताकि आप अच्छी तरह से ऑटो कैड पे काम कर सकें। तो हमने मॉडिफाइड में एरेस, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे कमांड कर चुके हैं हम। एरे में हमारे पास पाथ एरे रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। मूव भी कर चुके हैं, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, लेंथेन रहती है हमारी, ये भी तकनीक की। ट्रेम एक्सटेंड कर चुके हैं। तो मेन हमने काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ से कर ली हैं, जबकि ड्रॉ बार से हमने लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन, मल्टी लाइन, पॉलीलाइन, ये सारी की सारी कमांड हम कर चुके हैं। और डायमेंशन थोड़ी सी रहती है, और डायमेंशन और ड्रॉ यही दोनों जो होती हैं, इनमें यही कमांड हमारे पास आगे यूज़ होती है, मॉडिफाई और डायमेंशन की कमांड यूज़ होती है। सॉरी, ड्रॉ डायमेंशन में भी हम लीनियर डायमेंशन, अलाइन, एंगल, रेडियस, जॉ, डायमीटर, एंगुलर डायमेंशन भी हम कर चुके हैं, और सेंटर मार्क कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट, अलाइन, तो हम यहाँ से भी काफ़ी सारी कमांड्स कर चुके हैं। फॉर्मेट में से भी हमने टेक्स्ट की स्टाइल की फॉर्मेट चेंज की है, डायमेंशन स्टाइल चेंज किया है, टेबल स्टाइल चेंज किया है, और मल्टी लेडर नहीं किया, पॉइंट स्टाइल हमने चेंज करना सीखा है, मल्टी लाइन स्टाइल भी हम कर चुके हैं, यूनिट्स भी कर चुके हैं, इंसर्ट भी हमने ब्लॉक इंसर्ट किया था बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं काम किया। व्यू एडिट में, फाइल में, ये हमने चीज़ें रहती हैं, और फाइल इंशाल्लाह हम फाइल में हमने सेव करना, न्यू करना, ओपन, न्यू ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, ये चीज़ें हमने सीखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में भी सीखेंगे कि क्या क्या होता है और किस तरह काम किया जाता है। तो तकरीबन हम ऑटो कैड जो है, यूँ समझें कि आप ऑटो कैड में जो कमांड्स हम सीख चुके हैं, हम तकरीबन 70% कमांड सीख चुके हैं, 30% रहते हैं कमांड, 30% सीखने के बाद हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ आ जाएंगे। तो ऑटो कैड में आपको कंप्लीट सिखा रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कोई कमांड भी ना छोड़ूँ, और आपको एक प्रोफेशनली और एक अच्छे तरीके से सिखाया जाए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करें ताकि आप अच्छी तरह से ऑटो कैड को सीख जाएँ और आप आगे फील्ड में भी काम कर सकें। तो ऑटो कैड पर काम करना आसान है, आप ऑटो कैड में ऑटो कैड को सीखना आसान है, लेकिन इस पर प्रोफेशनली वर्क करना थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें कमांड्स का याद रखना आपको ज़रूरी है, और कौन सी कमांड किस मकसद के लिए यूज़ होती है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक लेसन जो देख रहे होते हैं, इसको आप बार बार देखें, और बार बार इस पर प्रैक्टिस किया करें ताकि आप आसानी से ऑटो कैड को सीख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।